ये जगह जो आप देख रहे हैं ये जंगल नहीं है, ये है राजीव गांधी खेल परिसर नेहरूगढ़, जिसका निर्माण आज से करीब 10 साल पहले सन 2008 में शुरू हुआ था, लेकिन आज तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। सरकारें आई और गई, लेकिन इसका निर्माण कार्य जस का तस है। अब खेल परिसर के हालात आपके सामने हैं। इस एरिया के लगभग 20 से 25 गांवों का ये सबसे बड़ा खेल परिसर है। ये खेल परिसर लगभग 8 एकड़ ज़मीन पर है। आज से 10 साल पहले जब ये खेल परिसर बनाया गया, तब तत्कालीन सरकार ने बड़े बड़े वादे किए। यहाँ हर दिन कोच की व्यवस्था की भी बात की गई, इसके रख रखाव को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें हुई। ये हालात जो इस स्टेडियम के हैं वो आपके सामने हैं। आलम तो ये है कि 10 साल गुजरने के बाद तक निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हो पाया है। हमने कुछ ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की इस मामले पर, आइए जानते हैं ग्रामीणों का क्या कहना है। सर, यहाँ पे ना तो बिजली की ना पानी की सुविधा है, और जो कोच दिया गया है केवल 2 दिन के लिए दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, चारों तरफ कैमरा जूम करके देखिए आप, यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ और जहरीले जानवर ज़्यादा हैं, ताकि जिससे परेशानी ये होती है कि जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। ना यहाँ पे कोई गाइडलाइन देने वाला है, और कोई सुविधा के नाम पे सब ठगीबाजी चल रही है जी। सीधी सी बात यह है, किसी के पास जाते हैं सर आपका काम है तो वो दूसरे पे पल्ला झाड़ देते हैं। तथाकथित तथ्यों के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक आडंबर बनाया हुआ है। इसको हम यूँ नहीं कह सकते कि ये स्टेडियम है। स्टेडियम वहाँ स्थापित होता है जहाँ पे हर सुविधाएँ हों और खेल को बढ़ावा दिया जाए। अब वही बात हुई भाई, खाना तो डाल दिया लेकिन खा लेना एक नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ सर। यहाँ पे मेन तो जैसे ये बिजली और पानी की समस्या है, और आप देख सकते हैं कटीली झाड़ियाँ कैसे हैं। कोच भी 2 दिन के लिए प्रोवाइड किया गया है ना, यहाँ पे रेस के लिए अच्छा ट्रैक है, और जैसे कोच के लिए कोच भी डेली उपलब्ध नहीं है यहाँ पे। और बाकी आप हालात देख सकते हैं स्टेडियम की, कितनी खराब हालात है। 2008 में बनना चालू हुआ था, लेकिन अब तक इसको ग्रांट नहीं मिली है स्टेडियम को। और जो युवा वर्ग है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इससे, ना ही आराम से रेस कर पाते हैं, ना ही एक्सरसाइज, और ना ही खेलने के ग्राउंड है अच्छी तरह से यहाँ पे। हमारे गांव के सरपंच हैं, उनसे मिल चुके हैं, एक दो बार हमारी मीटिंग भी हुई उनसे, लेकिन हर जगह जाके यही मिलता है कि भाई काम ये वहाँ पे अटका हुआ पड़ा है, यहाँ पे अटका पड़ा है। 2008 से बन रहा है अपना स्टेडियम, लेकिन आज भी यहाँ पे पीने का पानी नहीं बच्चों को। यहाँ पे जो ट्रैक है वो खुद अपने खर्चे से 100-150 रुपये इकट्ठा करके जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो यहाँ पे अपना काम करवा रहे हैं। बार बार इसकी जो जुताई हुई है, सफाई हुई है, सभी बच्चे अपने पैसे से कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी जेब से पैसे लगा के कोई बच्चा यहाँ पे तैयारी कर रहा है। प्रशासन ने इतनी ज़मीन यहाँ पे एक्वायर की थी, इतने बिल्डिंग बनाए, इतने पैसे यहाँ पे खर्च किए, लेकिन वो सारे पैसे आज की आज यहाँ भी वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी भी डॉक्यूमेंट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और अभी भी खेल विभाग को नहीं सौंपा गया, ये अभी भी इसको पेंडिंग दिखाया गया है। ग्रामीणों से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ स्टेडियम में किसी भी चीज़ की सुविधा नहीं है। बच्चे अभ्यास करने के लिए आते हैं, लेकिन सुविधाएं ना होने की वजह से काफ़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। ना पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही कोई लाइट का प्रबंध है। अब तो आलम यह है कि ये स्टेडियम नशे का अड्डा बन चुका है, और यहाँ शाम होने के बाद हर रोज़ महफिलें जमती हैं। स्टेडियम की स्थिति जानने के बाद हमने गांव के सरपंच से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास हमारे लिए टाइम की कमी थी, जिसके चलते ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला। देखिए सर, शहीद भगत सिंह वीरवा संगठन नैरोगढ़ की तरफ से हमने लगभग 4 से 5 बार मुलाकात की है सरपंच साहब से। इससे काफी ज्यादा बार उनसे इस मुद्दे के ऊपर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस चीज का हमें रिजल्ट नहीं मिला। हमने बार बार कोशिश करने के बावजूद प्रशासन के, हमने उनको ये तक बोल दिया था कि भाई जो कुछ भी हो, शहीद भगत सिंह वीरवा संगठन आपके साथ तन मन धन से इन युवाओं की समस्या के निदान के लिए आपके पीछे खड़े हैं, जो भी कुछ सॉल्यूशन हो सकता है आप इसका कीजिए। लेकिन आज के युवा राजनीति के शिकार हो रहे हैं। पिछली लगभग लगभग 10 साल से
स्टेडियम का 2008 के अंदर इसका निर्माण शुरू हो गया था, 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जो हालात हैं वो जस के तस हैं। पंचायतें आती हैं, एक मैं ये चीज कहूं कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा घोटाला है तो कोई ये अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत ज्यादा घोटाला पंचायतों ने अपने कार्यकाल में किया है। पिछले 2008 से 2 योजना जा चुकी है और 3री योजना पंचायत की जाने वाली है। पंचायत चुनाव से पहले खुद सरपंच साहब, वर्तमान जो सरपंच है राकेश कुमार जी, वो हमारे शहीद भगत सिंह वीरवा संगठन कार्यालय में हमारे से समर्थन मांगने के लिए आए थे जी। और उस टाइम पे उन्होंने सबसे पहले जो प्राथमिकता दी थी इस मुद्दे को दी थी कि मैं गांव के युवाओं के लिए जी। जो कुछ हो सकता है शिक्षा के ऊपर और खेल के ऊपर जो कुछ सुधार होगा मैं सबसे पहले करूंगा जी। लेकिन आज आपको हालात देखिए, सरपंच साहब के पास मिलने का समय नहीं है और बार बार इतने मुद्दे को हमने डीसी साहब तक पहुंचाने की कोशिश की, हमने उनसे बातचीत करने की, लेकिन हमारे उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो प्रशासन एक तरफ तो सरकार चाहती है कि युवा खेले और आगे बढ़े, हरियाणा के युवा देश भर में ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो, प्यास लगती है तो पानी के लिए उन्हें 1 से 1 किलोमीटर दूर जाके अपने मटके से पानी लेकर के वो ले अरेंजमेंट कर रहे हैं। गांव के स्टेडियम के अंदर न तो कोई चौकीदार है न कोई सफाई कर्मचारी है, वहां की हालात को देखते हुए बिल्कुल ऐसी हालात हो रही है कि एक जान जोखिम में डाल करके युवा अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने खर्चे के ऊपर, मैंने खुद अपने खर्चे भी युवा साथियों के साथ अपने खर्चे से ट्रैक तैयार करवाया था, लेकिन आज की हालात आपने खुद वहां पे जाके आपने रिकॉर्ड किया है, देखा भी है। तो इस कंडीशन को देखते हुए मैं तो एक सरकार और प्रशासन से इस चीज की अपील करता हूं, या तो ये ढोंग जो है इनको बंद किया जाए कि खेलने सब खेले सब बढ़े, इस तरह की योजनाएं खेल चलाने की जरूरत नहीं है। अगर चलाने की जरूरत है तो ध्यान दिया करके स्टेडियम के ऊपर क्या मुद्दा चल रहा है, क्या हालात है, बार बार प्रशासन के नॉलेज आने के बाद भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होना, इससे बड़ी मैं तो विडंबना नहीं मानता। और 8 एकड़ के अंदर हमारा ये स्टेडियम तैयार हो रहा है, आज 10 साल हो गई है, 20,000 रूपए अगर 1 एकड़ के हिसाब से हम एक ठेके के ऊपर जमीन देते हैं, 20,000 रूपए आज एक जमींदार आदमी को 20,000 रूपए ठेके के हिसाब से जमीन मिल जाती है, और आज 10 साल यानी 8 किले 1,60,000 रूपए पर ईयर इनकम थी जो पंचायत की, 10 साल में आप उसको देख सकते हो कितनी हो जाती, न तो कोई रोजगार मिल पाया न किसान उस जमीन पर खेती कर पाया। तो इस तरह की किसान विरोध, जवान विरोधी, किसान विरोधी नीति सरकार की मैं इस चीज का बिल्कुल खिलाफ हूँ, रोष प्रकट करता हूँ इस चीज के लिए। अभी हमारी ये रिपोर्ट स्टेडियम पर पूरी नहीं हुई है, हमने कोच से समय मांगा है, जब उनसे मुलाकात होगी तो उस समय हम गांव के सरपंच से एक बार फिर से मिलने की कोशिश करेंगे, वो रिपोर्ट हम आपको मुलाकात के बाद बताएंगे। इस तरह की और खबरें देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम उठाते रहेंगे आप ही के मुद्दे। स्टेट न्यूज़ हरियाणा, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।